मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 11 के लिए फिजिक्स सीरीज का पार्ट 53 लेके आई हूँ। आज बताऊँगी एनर्जी ऊर्जा। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जब हम ये कहते हैं किसी व्यक्ति में ऊर्जा है तो इसका अर्थ है वो व्यक्ति कार्य कर सकता है, अर्थात ऊर्जा के मापन के मात्रक वही हैं जो कि कार्य की है। अतः ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल। ठीक है, ये जूल है। एसआई मात्रक क्या है? जूल है। बिम्मी सूत्र वही है जो कि कार्य का है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये अदिश राशि है। ऊर्जा के अन्य व्यवहारिक मात्रक है अर्ग, सीजीएस मात्रक है अर्ग, हैं इसको ऐसे लिखते हैं, एक अर्ग बराबर 10^-7 जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी जो है ऊर्जा का मात्रक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6×10^-19 जूल। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक है, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। किलोवाट आवर भी ऊर्जा का मात्रक है, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा हिंदी में कहेंगे, 1 kWh बराबर 3.6×10^6 जूल। अब देखिए, यांत्रिकी में किसी वस्तु में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। इन दोनों का जो सम है, K फॉर काइनेटिक एनर्जी, U फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये आपकी क्या होगी? टोटल एनर्जी हुई। ठीक है, मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का है पिंड में उसकी गति के कारण, निहित ऊर्जा को पिंड की गतिज ऊर्जा कहते हैं। बच्चों ये सब पढ़ चुके हो आप। K बराबर ½mv², जहाँ m द्रव्यमान है, v वेग है, एम द्रव्यमान की वस्तु भी वेग से चल रही है तो उसके पास गति ऊर्जा होगी ½mv² है। अब देखिए, ये अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है, बिम्मी सूत्र ml²T-2 है। ठीक है, अब देखिए गति ऊर्जा और संवेग में संबंध, के बराबर ½mv², हाफ एम, देखिए m से ऊपर गुणा किया है, m से डिवाइड कर दिया है, m से गुणा किया है, m से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब देखिए m²v² हो गया अपॉन m, m v क्या है? p है, संवेग है, तो इसका स्क्वायर है, m v का स्क्वायर, तो p का स्क्वायर, तो गतिज ऊर्जा k बराबर p²/2m, जहाँ k जो है गतिज ऊर्जा है, p क्या है? संवेग है, m क्या है? द्रव्यमान है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।